वीकेंड ट्रिप प्लान करने का सोच रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो कि कहाँ जाए, इसलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ वृंदावन की वीकेंड आइटनरी, जिसके थ्रू आप इस जगह 2 दिन में आराम से घूम सकते हो। आइटनरी शुरू करने से पहले 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे पहला कि वृंदावन जाने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। वैसे तो अक्टूबर से मार्च सबसे बेस्ट टाइम है जाने का, क्योंकि इस टाइम वेदर काफ़ी अच्छा होता है घूमने के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसे टाइम पर जाना है जब भीड़ कम हो, तो आप अप्रैल से जून के बीच में जा सकते हो। दूसरी चीज़ है कि आप वृंदावन कैसे जा सकते हो। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। पहला, आप ट्रेन से जा सकते हो, जिसमें आप मथुरा स्टेशन पर उतरेंगे, जहाँ से वृंदावन 11 किलोमीटर है। दूसरा, आप बस से भी जा सकते हो, जो आपको सीधा वृंदावन पहुँचाएगी। इवन बाय आप रोड भी अपनी गाड़ी से जा सकते हो या कैब लेकर जा सकते हो। बट गाइस, ध्यान रखना, वापस आते हुए कैब बहुत मुश्किल से मिलती है वहाँ पे। तो आप प्लान बनाए तो रिटर्न की हमेशा अपना दूसरा अल्टरनेटिव ही रखे कैब्स का। यहाँ से आप कैब में ज़रूर जा सकते हो, बट रिटर्न बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए अपनी वीकेंड आइटनरी शुरू करते हैं। डे वन में सबसे पहले आप जा सकते हो स्नेह विहारी टेम्पल, जो कि सुबह 8:30 बजे से दिन के 12 बजे तक खुलता है और फिर शाम को 5:30 बजे से रात को 9:30 तक खुलता है। Meanwhile... स्नेह विहारी टेम्पल के बाद आप जा सकते हैं बांके बिहारी मंदिर, और इस मंदिर की ओपनिंग टाइमिंग भी सेम ही है, सुबह 8:30 से 12 और फिर शाम के 5:30 से 9:30। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर वो जगह है जहां श्री कृष्ण जी बांके बिहारी के रूप में अपने भक्तों से बात करते हैं। बांके बिहारी मंदिर के बाद आप जा सकते हैं यमुना घाट बोटिंग करने के लिए, जो कि एक बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस है। यहाँ पे बोटिंग आप 6 मिनट की भी कर सकते हो और 11 मिनट की भी कर सकते हो। पर पर्सन अगर आप सबके साथ बैठोगे, बहुत सारे लोगों के साथ, आप बार्गेनिंग कर सकते हो खुद हिसाब से। 50 या 100 रुपए लेते हैं, ठीक है। वैसे 100 रुपए लेते हैं, आप बोल भी सकते हो ना 50 भी लेते हैं। बट मैंने फुल बोट ली है, मैंने फुल बोट के लिए अकेले के लिए बोला, तो अकेले में वो मेरे से छोटे राउंड के लिए 600 रुपए बोल रहे थे, और बड़े राउंड के लिए उन्होंने मुझे 1000 बोले थे। मैंने 900 बोल के, 900 में हुआ है हमारा। तो अगर आपको सेपरेटली अपने फैमिली के साथ जाना है, तो आप सारी फैमिली के साथ 900 रुपये में भी जा सकते हो। और अगर आपको सबके साथ जाना है, तो सिर्फ बोटिंग करनी है, तो सब लोगों को बिठाया जाएगा। बैठे पीछे आप देख रहे हो, बहुत लोगों को, सब लोगों को एक साथ बिठाया गया है, ठीक है। सारे लोग बैठे हुए हैं, ये सारे लोग बैठेंगे आपके साथ और 100-100 रुपये लेंगे। जितने भी लोगों को बिठाना होगा उनको 10, 15, 20, जितने भी लोगों को बिठाना होगा, वो सारे लोग बैठ के जाएंगे। वो 100-100 रुपये का होता है, कुछ किसी किसी से 50 भी लेते हैं। समझ गया बापू जी। बोटिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस लेने के बाद आप जा सकते हो इस्कॉन टेम्पल, जहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर और इंजॉयबल होता है। मंदिर में जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, तो ये एक जगह है जहाँ आपको कमल के फूल पर चलते हुए 108 बारी ये मंत्र पढ़ना है। इस्कॉन मंदिर की एक खास बात है कि यहाँ सिर्फ इंडियंस ही नहीं, बल्कि फॉरनर्स भी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। बल्कि ये मंदिर इंडिया के बाहर भी काफ़ी जगह पर बना हुआ है, जैसे कि फ्रांस, लंदन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड बहुत सारी जगह। जैसे मैंने केक लिया, 60 रुपीज का केक है इस्कॉन टेम्पल में, और यहाँ पे फ्रूट चाट भी मिल रहा है जो 20 रुपीज का है। पहले कूपन लेना होता है, फिर देन यू कैन बाय फ्रॉम हियर। So good and tasty. आखिर में आप जा सकते हो प्रेम मंदिर, क्योंकि लाइटिंग्स की वजह से प्रेम मंदिर शाम के समय बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। प्रेम मंदिर सुबह और शाम आपको दोनों देखने चाहिए, और दोनों के नज़ारे बहुत ही अच्छे होते हैं। और यही नहीं, आप वहाँ के फाउंटेन शो भी देख सकते हो, जो कि शाम के 7 बजे से 7:30 बजे तक चलता है। सारे मंदिर घूमकर थक गए होंगे, इसलिए
डे टू की शुरुआत हम करते हैं राधा वल्लभ मंदिर से। इस मंदिर में आप श्री कृष्ण और राधा मैया के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। ये मंदिर सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक खुलता है और फिर शाम के 5 बजे से रात के 9 बजे तक खुलता है। कचौड़ी खाने बैठी हूँ अभी, बोलते कचौड़ी मस्त होती है। इसके बाद आप डे टू की एंडिंग आप निधिवन जाकर कर सकते हो। और ध्यान रहे, निधिवन अगर आप जा रहे हैं तो आप काफ़ी समय लग सकता है वहाँ पे आपको घूमने के लिए। निधिवन के पीछे बहुत ही कहानियाँ हैं जो मैं आपको बताती हूँ। आपने इस मंदिर के बारे में YouTube वीडियो पर सुना होगा, कहते हैं राधे तू बड़ी स्वामी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म वो दीजिए और श्री वृंदावन पास। चांदी के बेड में बैठी है राधा रानी, चांदी के बेड को फूलों की सैया लगाते हैं, मतलब फूल बिछाते हैं गुलाब की, और पांच चीज रखते हैं डेली, दातिन पान लड्डू पानी का लोटा साड़ी, 7 तालों के अंदर 8:30 बजे जब निधिवन को बंद किया जाता है, सुबह आते हैं पुजारी 5:30 बजे, यहाँ करते हैं मंगला आरती, मंगला आरती करने के बाद 7 ताले खोले जाते हैं, सारा सामान यूज भोग बिखरा मिलता है। कैसे? दातिन करी मिलती है निब वाली, पान चबे मिलते हैं, लड्डू खाए हुए मिलते हैं, पानी पुआ मिलता है, साड़ी फैली मिलती है, सिंदूर फैला मिलता है, चूड़िया फैली मिलती है, सारा सामान यूज भोग बिखरा मिलता है। रात्रि का यूज करा हुआ सामान मैन मंदिर बिंदान बिहारी जो यहाँ के राजा है बलराम माँ पहुँचाया जाता है। माँ ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद आपको प्राप्त होता है 3 चीज, श्री जी की चुन्नी, इसे लेने से 4 धाम 84 कोस की यात्रा का पुण्य प्राप्त होता है। दूसरी चीज मिलती है आपको तुलसी के मन की मनोकामना माला, और तीसरी चीज मिलेगी रात्रि का जूठा लड्डू का प्रसाद, उसी मंदिर पहुंचाया जाता है। माँ पुजारी लोग बढ़ोतरी कर देते हैं, 56 मौके के रूप में दिए जाते हैं। बोलो राधा रानी की। श्रृंगार का सामान आपको यहाँ से प्राप्त होता है, 100 रुपए में 16 श्रृंगार देते हैं रात्रि का यूज करा हुआ, लेना चाहते हो ले सकते हो, राधे राधे बोल सकते हो। थोड़ा इनकी तरफ देखना और थोड़ा हंस के जाना, आप इनकी तरफ हंस के जाएंगे घर तक आएगी। तीनों लोगों से न्यारी थी ब्रज की राधा रानी, तो एक प्रेम से लो राधा रानी की। इंटरेस्टिंग, पीछे जो है यहाँ पे इनकी भी समाधि है, इन्होंने देखा था रास लीला करते हुए कृष्ण भगवान को और राधा जी को, और इनकी समाधि है यहाँ पर। वहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ कृष्ण भगवान रास लीला करते थे अपने सखियों के साथ और राधा जी के साथ, और जो भी उसको देखता है और जो भी उसको 5 बजे के बाद देखता है, मतलब शाम के वक्त वहाँ पे बंद कर दिया, 8 बजे बंद हो जाता है वैसे, ठीक है, और 9:30 बजे लोग बोलते हैं अभी भी वहाँ पे आवाज़ आती है, घुंघरू की आवाज़ आती है, बहुत दूर दूर तक लोग सुनते हैं, ठीक है। और आपको पेड़ भी दिखेंगे बहुत सारे वहाँ पे, मैंने अभी एंट्री करते हुए दिखाया, उन्होंने गाइड ने भी बताया। फ्लैशबैक, अंदर है ललिता कुंड, वही ललिता कुंड सोलह लता पता देख रहे हो, रात में गोपियाँ बनती हैं, इन पेड़ों में बारिश का ही पानी लगता है, इन पेड़ों के पास वो ललिता कुंड भेजाता है। एंड ऑफ फ्लैशबैक। वहाँ पे इतने सारे 16,800 है कुछ है, मुझे कंफर्म नहीं नंबर पता, लेकिन 16,000 समथिंग है, इतनी गोपियों के साथ नाचते हैं वो, लाइक गाइस नंबर नहीं कंफर्म, ठीक है आप देख लेना, तो इतने गोपियों के साथ नाचते हैं, और उधर हर एक गोपी का पेड़ बना हुआ है, और कुछ पेड़ बोला जाता है कि कुछ राधा का है, कृष्ण का है, और सारी गोपियों का है, और रात को वो पेड़ गोपी बन जाते हैं और वहाँ पे वो नाचते हैं। क्या बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी नगरी है वृंदावन, सीरियसली बहुत अच्छे लोग हैं, और इवन वाणी बहुत अच्छी है उन लोगों की, और बहुत अच्छे से सबके साथ रहते हैं, ठीक है। तो आप भी अगर वृंदावन जा रहे हो तो कुछ और क्वेश्चंस हैं मुझसे पूछने के लिए, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय, राधे राधे।